काफ़ी पार्टियाँ, दो एमपी भी हैं और बड़े कई कई पार्टियाँ, कुछ डीजीपी रिटायर भी हैं और भी बहुत हैं, एडवोकेट्स बहुत हैं, तो लेकिन इन्हों ये छोटी छोटी पार्टी हैं, कुछ उसमें बड़ी भी हैं। एक शुरुआत हुई आज कि किस तरीके से पार्टियों को इकट्ठा किया जाए, और उसका आज आपको रेजोल्यूशन तो दे दिया, लेकिन आज तो पहली है प्रीलिमिनरी मीटिंग है, और इसमें अभी कोई कमेटियाँ भी बनाएंगे, फिर मीटिंग और करेंगे, अभी तो सिर्फ शुरुआत है आज कि कैसे कैसे किस किस स्टेट में जहाँ पर खास करके इलेक्शन हो रही हैं, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ो, पंजाब है, यूपी है और उत्तराखंड है, इसमें कैसे हम काम करें मिलके, तो ये सारा कुछ देखने के लिए और पहली मीटिंग बुलाई है और दूसरी मीटिंग फिर रखेंगे। सर नवा फ्रंट तैयार किया जा रहा है। हाँ जी, ये नवा फ्रंट बना रहे हैं, ये तो फ्रंट ही चलाएगा नू, और ये जो हम कुछ कमेटियाँ भी बनावेंगे, वो कमेटियाँ बैठ के फैसला करेंगे कि इशू लेके चुने। सर नया फ्रंट क्या चुनाव में भागीदारी निभाएगा या किस तरीके से काम करेगा? नहीं, ये तो काम जो गरीब जलता है या मोर पावर टू दी स्टेट, फेडरल सिस्टम के लिए भी लड़ेंगे और हम इकट्ठे लड़ेंगे, जो गरीब लोग हैं, जो लताड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। सर केड़ियाँ स्टेट तो आए हुए हैं? देखो यूपी है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, वैसे तो साउथ वालों भी आए हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी एम पी साहब भी आए हुए हैं, तो इस करके अजय थोड़ा ना सारे दे बाद दे देंगे, क्योंकि सारे अब पहली मीटिंग है, सारे का हम पता नहीं हूँ कि स्टेट किन्ने किन्ने है कि उन्होंने सारे ने ना निकले। सर पहल के आधार पर किन्ना मुद्दों पर काम किया जाएगा, जिम्मे कृषि कानून का मुद्दा चल रहा है? कृषि कानून का भी बच्चे चल रहा है, कानून तो जोड़े लोगों के हित हित चुनगे उन्होंने लड़ांगे, पर मुद्दे तो अजय बनाने हैं। ठीक, थैंक यू। कौन सी पार्टी है उसको है अभी जो अलायंस आप करना चाह रहे हैं उसमें? हरियाणा, पंजाब, इन सारों ने, इनमें से कौन सी प्रमुख पार्टी? आपको लिस्ट दे देंगे कौन सी पार्टी। अच्छा, बहुत पार्टी, कोई ऐसी बड़ी पार्टी जैसे बसपा है, सपा है, या फिर आपके कांग्रेस है, इस टाइप की जो कहीं ना कहीं कृषि कानून का विरोध करते हैं? इस टाइप की पार्टी अभी नहीं है, अभी तो छोटी पार्टी इकट्ठी हुई है।